मिस्टर कृष्णा, कांग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। मैंने हमारे बेटे का नाम रोहित रखा। क्या होने वाली है क्रिश 4 की कहानी? जादू के अलावा कोई मिल गया से कौन आ रहा है क्रिश 4 में वापस? रजत बेदी करेंगे किसकी मदद क्रिश 4 में? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलीग्राथ स्टूडियोज में। बॉलीवुड में कई कलाकार आते हैं और चले जाते हैं, कुछ लंबे समय के लिए यहाँ रह जाते हैं, खूब नाम भी कमाते हैं। आज हम ऐसे कलाकार के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने एक अभिनेता के तौर पर बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया है और उनके अभिनय की काफी सराहना भी हुई है, पर अचानक ये फिल्मों से गायब हो गए और अब लाइमलाइट से दूर रह रहे हैं। बॉलीवुड के सबसे सक्सेसफुल अभिनेताओं में से एक रजत बेदी की बॉलीवुड की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। जी हाँ, उन्होंने काफी सुपरहिट फिल्में दी हैं। अभिनेता रजत बेदी बॉलीवुड की कई फिल्मों में लीड रोल निभा चुके हैं, लेकिन उनको पहचान मिली बॉलीवुड में विलेन के रोल निभाने के लिए। फिल्म कोई मिल गया में रजत बेदी ने निभाया था विलेन का किरदार, जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने बेहद पसंद किया था। अभिनेता रजत बेदी ने बॉलीवुड में एंट्री 1998 में आई फिल्म 2001 से की थी। इसके बाद अभिनेता रजत बेदी ने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में काम किया। अभिनेता की फिल्म पार्टनर उनकी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद अभिनेता रजत बेदी ने बॉलीवुड में एक भी फिल्म में काम नहीं किया और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। ये काफी दुखद है कि एक बेहतर कलाकार अब बॉलीवुड में अपनी चमक नहीं बिखेर पा रहा, और बॉलीवुड का यही दस्तूर रहा है कि जब तक नाम चलता है तब तक काम मिलता है। शायद इस दस्तूर का शिकार रजत बेदी भी हो गए। लेकिन 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 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस विलेन की वापसी जल्द ही होने वाली है अपकमिंग फिल्म क्रिश 4 में। क्रिश 4 में वापसी के साथ ही रजत बेदी आजकल शॉर्ट फिल्म डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। क्रिश फिल्म की बात करें तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या क्रिश पर सारे विलेन भाड़ी पर जाएंगे, कैसी होती है फिल्म की स्टोरी लाइन, ये तो हमें पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ऋतिक रोशन के तमाम फैंस क्रिश 4 के लिए बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और इसे जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज भी किया जाने वाला है। आप सभी कितने उत्साहित हैं क्रिश 4 को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।